हेलो एवरीवन यूनिट सेवन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर का एक और वीडियो लेके आ गए और यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी में पहले क्या पढ़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है एंड हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी और इस वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे चलिए क्या आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन क्या होता है इट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन हुक्स लॉ दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ हुक्स लॉ क्या कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लोड अटैच टू इट यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वेन आई रिमूव द

उसको हम स्ट्रेच करते हैं स्ट्रेच कैसे करेंगे उस पर फोर्स लगाएंगे और जो उसकी स्ट्रेचिंग के बाद वैल्यूज़ आ रही है उन्हें हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे कि अप्लाइड फोर्स कितनी है और स्ट्रेन कितना आ रहा है लेंथ में ठीक है फिर हम ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं अप्लाइड फोर्स और स्ट्रेन इन लेंथ की फिर इसका हम ग्राफ ग्राफ प्लॉट करते हैं ठीक है स्ट्रेस और स्ट्रेन का द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल और ये जो कर्व है ये हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ अ गिवन मटेरियल डिफॉर्म्स विद इंक्रीजिंग लोड्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व आपको दिखाई दे रहा है डरना नहीं है सारा एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो सबसे पहला आता है ओ से ए का रीजन इसमें देखो भाई Linear है यानी कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है अच्छा अब अगर हम ए पे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो ये वापस ओ पे आ जाएगा यानी कि इसने अपना ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन है वो रीगेन कर लिया यानी कि इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है और ए को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट अब आ जाते हैं ए से बी किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन तो लग नहीं रहा है यानी कि हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है लेकिन अगर मैं आप बी पे अनलोड करता हूं तो भी वो वापस जो है ओ पे आ जाता है बी ए ओ के पास से यानी कि अपना ओरिजिनल डायमेंशन तो वो रीगेन कर ही रहा है जब लोड को रिमूव किया ठीक है पॉइंट बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट और ये ओ से बी का जो, जो जोन है उसे हम इलास्टिक रीजन कहते हैं क्योंकि इलास्टिक तो है ही अब तक तो ऑब्जेक्ट फिर आता है बी से सी अब स्ट्रेन पे आप देखो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है एस कम्पेयर टू कम होता जा रहा है अब अगर मैं वायर को अनलोड करता हूं सी पे तो ये वापस ओ पे नहीं आएगा ये ओ डैश पे आ रहा है ठीक है यानी कि कुछ तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही गया ना तो अब एक्सटेंशन जो है वायर में वो पार्शली इलास्टिक है और पार्शली प्लास्टिक है कंटिन्यू करें आगे कंटिन्यू करते हैं इसी ग्राफ को अब आ जाते हैं सी से डी के पार्ट में अब यहां पे देखो स्ट्रेस में उतना बड़ा चेंज आपको नहीं मिल रहा है ये स्ट्रेस में इतना चेंज बट स्ट्रेन में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है पॉइंट सी को हम कहते हैं ईल्ड पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहां पे आपका वायर यील्ड करता है टू द अप्लाइड स्ट्रेस एंड बिगेन्स टू फ्लो डाउन ठीक है बिहेवियर ऑफ वायर इज नाउ परफेक्टली प्लास्टिक और द स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट डी को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ उस मटेरियल की अब आता है डी से ई e, डी के बाद आप देखोगे अगर आपने वायर को अनलोड भी कर दिया थोड़ा सा तो भी क्या होता है थिनिंग ऑफ वायर होती है उसमें और वेस्ट बन जाते हैं कई कई वीकर पोर्शंस पे और फाइनली वो ई e पॉइंट पे आके ब्रेक कर जाता है इस ई e पॉइंट को हम ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं या फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं ठीक है बी ई को हम प्लास्टिक रीजन कह रहे हैं बी से ई e तक का जो रीजन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कर लेते हैं अब तो भाई ये तीन तरह के होते हैं डक्टाइल, ब्रिटल और इलास्टोमर्स तीनों एक्सप्लेन करेंगे डोंट वरी सबसे पहला डक्टाइल तो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देखो इनमें क्या है प्लास्टिक रेंज जो इलास्टिक लिमिट बाद प्लास्टिक रेंज काफी बड़ी होती है ब्रेकिंग पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट से काफी दूर होता है और इन्हें स्प्रिंग्स और शीट्स बनाने में यूज किया जाता है एग्जाम्पल है कॉपर सिल्वर आयरन ब्रिटल देखते हैं ब्रिटल में क्या होता है इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रेंज तो नाममात्र की है ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट के बहुत नज़दीक है और एग्जाम्पल है ग्लास एंड कास्ट आयरन तीसरा आता है इलास्टोमर इसका तो ग्राफ भी बड़ा अजीब सा है ठीक है इनमें क्या है काफी स्ट्रेच कर सकते हैं तो स्ट्रेन काफी ज़्यादा आ जाता है ठीक है, इनकी इलास्टिक रीजन काफी बड़ी होती है बट ये ज्यादातर पार्ट्स में को नहीं करते हैं। कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रेंज नहीं है इनकी और एग्जाम्पल आपका आता है रबर या ब्लड वेसल्स जैसे कि टिश्यू ऑफ ऑर्टा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं पहला फॉर स्टील द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज एट इंटू टेन टू पावर ऑफ सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट द मैक्सिम लेंथ ऑफ स्टील वायर विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट टेक जी इज इक्वल्स टू टेन ओके ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया ना ब्रेकिंग फोर्स इज एम जी और एरिया की जगह हमने एम बाय रोएल लिखा क्यों भाई क्योंकि एरिया होता है वॉल्यूम बाय लेंथ वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी मास की जगह एम डेंसिटी की जगह रो और ये एल तो आ गया यही यहाँ एम से एम कैंसिल ये ऊपर जाएगा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना आ गया रो जी एल इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू रखी रो की वैल्यू रखी जी की वैल्यू रखी तो एल कितना निकल गया हंड्रेड मीटर क्वेश्चन नंबर टू एन इलास्टिक वायर इज कट टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ हाउ वुड इट अफेक्ट द मैक्सिमम लोड दैट द वायर कैन सपोर्ट तो भाई ब्रेकिंग लोड कितना होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इन टू एरिया जब आपने कट किया हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ तो एरिया में तो कोई चेंज आया ही नहीं तो भैया देर इज नो इफेक्ट ऑन द मैक्सिमम लोड दैट द वायर कैन सपोर्ट चलिए नाव इज द टाइम फॉर असाइनमेंट ज़्यादा नहीं है सिर्फ पाँच ही क्वेश्चन हैं ट्राई करो नहीं आए तो भाई वीडियो प्ले कर लो आगे असाइनमेंट आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन वॉट आर डकटाइल एंड ब्रिटल मटीरियल तो डकटाइल वो होते हैं जिनमें प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है और ब्रिटल वो होते हैं जिनमें स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट क्वेश्चन नंबर टू फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर फॉर ए गिवन मटीरियल वॉट आर द अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटीरियल तो यील्ड स्ट्रेंथ की हमने बात कही थी वो क्या था यील्ड स्ट्रेंथ था मैक्सिमम स्ट्रेंथ ठीक है विदाउट क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट और वो है 300 हंड्रेड इन टू टेन टू दावर ऑफ सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर द मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉगर मटेरियल तो भाई ये ए इज स्ट्रोंगर क्योंकि ए का जो फ्रैक्चर पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है वो बीस से बहुत ज़्यादा देखो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे हाँ बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है क्वेश्चन नंबर फोर इन द फॉलोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर विच हैज ग्रेटर यंग्स मॉडलर्स मोर डक्टिलिटी मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ बताया था यंग्स मॉडल से कंफ्यूज मत होना सिंपल सी भाषा में सॉलिड्स के लिए अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ही यंग्स मॉडुलस होता है ठीक यंग्स मॉडल कहां से निकलेगा स्लोप से स्ट्रेस ट्रेन के स्लोप किसका ज्यादा है ए का तो सिंपल सी बात है Young's modulus भी C का ज़्यादा है एक्सेंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और ये भी ए के लिए ज्यादा है टेंट्रेंथ ये भी ए के लिए ही ज्यादा है डायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेस क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज द इलास्टिक टिश्यू ऑफ आटर प्रेजेंट इन द हार्ट